और देखें माशाल्लाह आज का हमारा चांद कितना प्यारा लग रहा है अपनी पूरी चमक दमक के साथ। कल 14 तारीख है तो कल बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। इधर भाई शराब का सामान बन रहा है और मामा भी वहाँ से बैठी हुई है। मैं बैठी हूँ शराब को वापस दे रही हूँ बार बार चाल वॉशरूम में अपनी मेडिसिन जार से। मैं कहती हूँ ये मेरा नाम भी लिखा हुआ था फॉबियर, तो मेरी मेडिसिन ख़त्म हो गई। मैं शराब को कह रही हूँ शराब आ जा मेरी दवाई ले जा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी सब ठीक हैं। तो लोग तो स्टार्ट करते हैं, मैं बना रही हूँ लहसुन अदरक, वो काम वगैरह सुबह कर लिया सारा। शराब तो जगह अपना सामान लेके आया और हम आज बना रहे हैं दाल मिक्स दाल बना रहे हैं। अम्मी जब भी जाती हैं ना कोई दो जो दाल होती हैं मसूर और मूंग की दाल, उनमें कोई ना कोई अम्मी ऐड करवा के ले आती। तो आज कौन सी करवा के ले गई हैं? आज मैं माश की दाल, ज़्यादातर चने की बीच में डलवा के लाती हैं लेकिन आज माश को लेके आई हैं। माश की इसलिए कि माश की दाल भी अच्छी लगती है तो मैं थोड़ी थोड़ी दालें डलवा के लाई हूँ कि ज़रा मिक्स अच्छी लगती है और कभी कभी दालें भी खानी चाहिए। हाँ जी, तो वो मैंने उनको सुबह धो के अच्छे तरीके से भिगो दिया था, थोड़ा सा बॉईल किया, मिक्स हो गई हैं। तो जैसे हंडिया बनाते हैं वैसे बनाएंगे, ऊपर से तड़का नहीं लगाएंगे, मिक्स मतलब बनाएंगे दाल, तड़का बनाकर उसके अंदर डालेंगे। और शराब का बन रहा है सामान। और शराब तुम क्या कटिंग करवा के आए हो? अच्छा, नंगा खड़ा अभी शर्ट उसमें उतारी हुई है। मेरे भाई की चाय बन रही है, हमारी चाय भी बन रही है और हरवाना भी करी है हंडिया की तैयारी। मामा भी पास बैठ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और हम भी अल्लाह पाक के फजल करम से बिल्कुल खैरियत से हैं और हमेशा आपकी खैरियत भी नेक मजबूत चाहते हैं अल्लाह के फजल करम से। आप जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, आप सबको शब्बे मुबारक, शब्बे बरात मुबारक कर रहा हूँ। कल को है वैसे, अल्लाह सबको अपने अपने घर में। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। मैंने ना भाई को बोला था कि मुझे ना फ्राइज ला के देनी है। मैंने आप ही को बोला था कि मुझे बना के दे दो, उसने बना के नहीं तो फिर बाय बाय से लेके आए। तो वो नहीं मिली फ्राइज बाय से, तो मैं ये लाने चाहिए आपको। आपने खाने हैं? हमें ये तुम्हारी चाहिए अब कल। ठीक है, आलू तो इतने सस्ते हुए हैं तो फ्राइज मेरी चाहिए। मैं आपको बना देती हूं और बाजार से अच्छे बनाऊंगी आपको पता है। ये हमारा टी टाइम चल रहा है, बनाऊं। लंच हमने कर लिया था तकरीबन 2 बजे, हमारा कोई टाइम नहीं है। बर्ती खराब, सुबह जल्दी सो उठ के ना दोबारा फिर सो जाते हैं, फिर जब उठे हैं तो तब हमने थोड़ी देर बाद लंच किया मैंने और फातिमा ने, और इशराफ ने भी नाश्ता मेरे ख्याल में नहीं किया आज। तो अभी हर मैन बना रही है खाना शाम का, दाल बना रहे हैं आज और शराब अभी चाय पी रहा है, हरमैन भी चाय पी रही है। आज ही जिसने चाय पीनी है, हम वैसे चाय के शौकीन बहुत हैं, चाय लवर है। हम कोल्ड ड्रिंक नहीं पीते शौक से, आप यकीन करें कोल्ड ड्रिंक हम बड़ी ज़्यादा पीते थे, अब है ना हम कोल्ड ड्रिंक इतनी पीते नहीं हैं। हंडिया खाना पीने ऊपर रखती है और ये है दाल बॉईल की है इसे। हाँ, ये पड़े हैं टमाटर और मिर्च और ये सारे इंग्रेडिएंट्स, रेड मिर्च बताओ है क्या? मैंने कहा लाल मिर्च, हल्दी, सूखी मेथी, काली मिर्च और ये जो मामा ने मसाला बनाया था अदरक लहसुन और कनौर, क्या लगा मुझे पता नहीं मसालों का, हाँ इतनी पोहड़ नहीं हूँ मैं। अदर में वैसे मैंने कहा था अदरक लहसुन डाल देते हैं इसमें। बाकी ठेस्टी खाना बताओ क्या है? सच में खाता नहीं, नहीं मुझे पता है। अल्हम्दुलिल्लाह किसी दिन फातिमा कुकिंग करेगी और मैं वीडियो बनाऊंगी, वो फिर आपके साथ शेयर करेंगे। बहुत जल्द ठीक है, पता नहीं कौन सा दिन हम जस्ट कितने मामा भी पास से बैठे हैं। मामा क्या देख रही हैं आप? मैं फेसबुक देख रही हूँ।
मसाले आप इतने सारे डालते हैं। कनौर नहीं अभी डाली। हाँ ये बाद में जब बन जाएगी ना तब डालेंगे, इसमें बस हम डाल के शामिल करते हैं। जिसका पानी है ना ये भी इसके अंदर ही रहेगा, ये मैं फेंकूंगी नहीं क्योंकि इसी में मैंने इसको दाल डाल दी इसके अंदर। भाई बोल रही है जहाज हेलीकॉप्टर मजाक से कह रही हूँ, बच्चे मुझे कह रहा है इसमें बस एक मगर ये पानी से डाल एक बात मुझे कहती है आप भी शराज कह रही हूँ जहाज हेलीकॉप्टर शराज हम दोनों भाई चले थोड़ी देर के लिए जी। ये पायलट नहीं मूवी देख रहा है पायलट वाली है शराज, हम दोनों भाई चले थोड़ी देर के लिए। ये देखें एक बिल्ला है, ये इधर बैठा हुआ है ऊपर, और हमारी जो बिल्ली है ना उसको हमने निकाला है बाहर कि जाओ घूम के आओ, और वो बाहर बैठ गई है, अभी आ जाएगी वापस। मानो देखें इसको बहुत जल्दी होती है अंदर आने की, हमने निकाला था थोड़ी सी देर घूम कर आए, चलते हैं अंदर कहाँ तक पहुँच गई है। बस बनने वाली है, मैं इसमें डाल दूँगी एक नोर, मैंने हाफ किया है, हाफ से भी कम, बस इतना सा डालेंगे ताकि ना इसका जो रियल टेस्ट है ना दाल का वो भी आए, खाली इसका कनौर का टेस्ट ना आए। कनौर शामिल कर दी है मैंने, आधा डाला है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा ना उसका टेस्ट ना ही रियल टेस्ट करिए, और धनिया ये सब नीचे धो के रखे हैं। असर किया जाना होगी, अभी मैं नमाज़ पढ़ी बहुत जल्दी बन गई है, बस अभी तकरीबन 4:30 का टाइम हुआ और खाना हमारा रेडी है। जिसको जब भूख लगेगी तो फिर उसके लिए रोटी बना दो, शराब जाने से पहले खाना खा के जाएगा, 5 मिनट बस इसको रखूँगी और दाल रेडी है। शराब अंदर फिल्म देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं। शराज भाई काम पे जा रहे हैं और पता नहीं है अपना बैंड कोई ढूंढ रहा है, और मामा जो हैं वो कुरान पाक पढ़ रही हैं, और वो तुम्हारी जो फ्रेंड है ना वो देख रही है कि तुमने इसको साथ लेके जा रही हो। शराज भाई चली गई है काम पे, मानो भी बाहर चली गई है, और अब हम बनाएंगे रोटियां, पापा आए जब आएंगे तब। ये देखिए अच्छी बच्ची कुरान पाक पढ़ रही है, पापा आ गए और आप भी दे रहे पापा को खाना। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सब बहन भैया का, मेरा आप भी ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। अभी आया हूँ फैक्ट्री से, अभी आके नमाज़ पढ़ी है, और अगर मैंने मुझे खाना दिया है तो खाना खाने लगा हूँ, आप लोगों ने जिसने खाना है मोस्ट वेलकम। आज हमने बनाई है दाल, जैसा कि आपको पता है पहले जिसने खाना खाना है वो आ सकता है। अब पहले पापा खाएँ फिर हम बाद में पापा से रिव्यू भी लेंगे कि कैसा बना, मामा नमाज़ पढ़ेंगे। पढ़ लिया मामा ने नमाज, अब फिर रोटी बना। मामा ने तो पहले वो गोली खा ली है। मामा ने पहले गोली खानी है, वो 20 मिनट पहले खाने से खाती, तो मैं मामा की रोटी बनाऊंगी बिल्कुल फ्रेश, जब मतलब 5 मिनट रह जाएंगे तो तुम्हारी बना दो पापा। पापा के लिए बन रही है चाय, बन के बन गई है, खाना खा लिया है अपने रब्बू दोनों ने, तो वीडियो को हम यहीं पे करेंगे एंड, और मिलेंगे आपसे कल के अच्छे से व्लॉग में। तो हमें दे इजाज़त, चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है, और कल के व्लॉग में फिर से आपसे मुलाकात होगी। मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।